जय हिंद बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोगों ने जो है सीरीज 18 पढ़ लिया है, आज हम लोग जो है सीरीज 19 पढ़ने चल रहे हैं। सीरीज 19 का जो पहला सवाल है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है, प्रक्षेप गति का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्षैतिज तल पर एक बंदूक की महत्तम परास 16 किलोमीटर है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन ऑफ हॉरिजेंटल प्लेन इज 16 किलोमीटर। यहाँ पर आर मैक्स गिवन है सवाल में, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स दिया गया 16 किलोमीटर, इसको जो है मीटर में बदल लो 16,000 मीटर हो जाएगा। और मैक्सिमम रेंज होती है यू स्क्वायर अपान जी, 45 अंश के कोण पर रेंज अधिकतम होती है। यू स्क्वायर अपान जी बराबर 16,000, ठीक है। तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16,000 इंटू जी, जी का मान 10 रख दो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, यू बराबर क्या आ जाएगा, यू बराबर अंडर रूट 16,000 इंटू 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ। यहाँ पर होगा मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल आर एंड कैपिटल जी। पृथ्वी के द्रव्यमान का सूत्र स्मॉल जी, कैपिटल आर और कैपिटल जी के पदों में होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक महत्वपूर्ण जो है संबंध होता है। स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर होता है। अगर एम ई निकालते हैं तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, जी इंटू आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी, जी इंटू आर ई स्क्वायर ऊपर रहेगा अपान कैपिटल जी हो जाएगा, जी इंटू आर ई स्क्वायर अपान कैपिटल जी। इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जी इंटू आर स्क्वायर अपान कैपिटल जी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, टू बॉडीज हैं, दो वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमान 2m और m है। एक का द्रव्यमान जो है 2m है, दूसरे का m है। काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो दिया गया है K1 अपान K2 दिया गया 8:1 ये दिया गया सवाल में, और मास m1 दिया गया और m2 दिया गया है। उनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना, उनके रेखीय संवेग का अनुपात बताना है। तो रेखीय संवेग P बराबर होता है √2mk, ठीक है। तो P1 अपान P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा m1 अपान m2 इंटू K1 अपान K2 हो जाएगा। m1 की जगह क्या रखेंगे 2m, और m2 की जगह क्या रखेंगे m, यहाँ पर 2m रखो यहाँ m रखो, तो m से m कट जाएगा तो बचेगा 2, अंडर रूट में बचेगा 2 इंटू K1 अपान K2 दिया ही गया 8/1, तो 8 रखो, 8 × 2 = 16, 16 का वर्गमूल क्या होगा 4 आ गया, 4 का मतलब 4:1। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर है, द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10^13 एंड 10^12 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दीज टू प्लैनेट इज, दो उपग्रहों की सूर्य से दूरियां क्रमशः 10^13 एंड 10^12 मीटर है, दोनों के आवर्तकालों का अनुपात। तो आवर्तकाल और दूरी के बीच जो संबंध होता है केपलर का तीसरा नियम बताता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। इसका मतलब है T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा R1 अपान R2 का होल क्यूब। तो R1 की जगह 10^13 रखो यहाँ, 10^13 अपान 10^12 का होल क्यूब यहाँ लिख देंगे, यहाँ कट जाएगा एक 10 बचेगा, 10^3 1000 हो जाएगा। तो T1 अपान T2 का होल स्क्वायर बराबर 1000 हो जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा T1 अपान T2 बराबर 100 का वर्गमूल 10, 10√10 हो जाएगा। तो उनके आवर्तकालों का अनुपात पूछा गया था, 10√10, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्मॉल एम व कैपिटल एम द्रव्यमान के दो गोले वायु में स्थित हैं। दो गोले हैं, एक स्मॉल एम द्रव्यमान का है, एक कैपिटल एम द्रव्यमान का है, ये एयर में रखे गए।
इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ है, ठीक है। द्रव्यमान के चारों ओर खाली स्थान में 3 विशिष्ट गुरुत्व का एक द्रव भर दिया जाता, कोई मीडियम आ जाता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल बताना। तो गुरुत्वाकर्षण बल की एक प्रॉपर्टी है कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्स, माध्यम से इसका कोई लेना देना नहीं। वायु में जब दोनों द्रव्य वस्तुएं रखी गई थी तो जो बल लग रहा था, अगर इन वस्तुओं को किसी माध्यम में रख देंगे उतनी दूरी पर तो सेम बल लगेगा, बल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका कॉन्सेप्ट नोट कर लो कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी ही रहेगा, वही सेम बल बना रहेगा बल एफ, तो सी ऑप्शन। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक द्रव एक ठोस को गीला नहीं कर पाता है यदि स्पर्श कोण, अ लिक्विड डज नॉट बेट द साइड्स ऑफ सॉलिड इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो बच्चों ध्यान रखें कि अगर जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑप्टिज है, अधिक कोण है, तो द्रव ठोस को नहीं भिगोता है। और इस समय जो अगर पूछा जाए लिक्विड मेनिस्कस पूछा जाता है, एक चीज, द्रव के चंद्र तल की आकृति, द्रव के मुक्त तल की आकृति जो होती है, जैसे कांच का बर्तन है इसमें पारा भरा हो, इसकी आकृति ऐसी होती है, इस तरीके से कॉन्वेक्स होती है, उत्तल होती है, ठीक है। तो ये चंद्र तल की आकृति उत्तल हो जाएगी, कॉन्वेक्स। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें नोट कर लीजिएगा कि अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, अगर न्यून कोण है, तो क्या होता है, द्रव के चंद्र तल की आकृति जो है कॉनकेव होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है। तो द्रव जो है ठोस को भिगो देता है, ध्यान रखना। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, टम्परेचर बढ़ाने पर, ताप अगर बढ़ा देते हैं तो जो पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर पूछा जाए, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, चौथा पॉइंट है, ताप बढ़ाने पर जो है स्पर्श कोण बढ़ जाता है, स्पर्श कोण इंक्रीज होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर खैर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन अलग से बता दिया। एक द्रव एक ठोस को गीला नहीं कर पाता है, इसका मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, मोर देन 90 डिग्री, बी ऑप्शन सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी गैस में ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ध्वनि की चाल के लिए जो न्यूटन का सूत्र है गैसों में, वी बराबर अंडर रूट प्रत्यास्था गुणांक अपान घनत्व डी। तो प्रत्यास्था गुणांक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी दोनों पर डिपेंड करेगा, गैस के डेंसिटी और इलास्टिसिटी दोनों पर। 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता, ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य होती है, साउंड वेव जो होती है लॉन्गिट्यूडनल होती है, अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य होती है। और ध्वनि तरंगे तीनों प्रकार के माध्यम से होकर चल सकती हैं, साउंड जो होती हैं सॉलिड लिक्विड और गैस सबसे होकर चल सकती हैं, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा, द्रवों में उससे कम, और गैसों में सबसे कम होती है, और निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो शून्य होती है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। तो ऑप्शन को देखिएगा, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है वायु, तीसरा निर्वात, यहाँ तो जीरो होगी, और यहाँ पर वायु में जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। स्टील सॉलिड है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड इसी में होगी, डी ऑप्शन सही है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इक्वेशन ऑफ वेव दिया गया, वाई इक्वल टू 0.0015 साइन 62.4x प्लस 316t है, वेवलेंथ पूछा गया है, तो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस kx, ये समतल प्रगामी तरंग का समीकरण है, जो t के साथ होता है ओमेगा होता है, जो x के साथ होता है वो k होता है, x के साथ यहाँ पर 62.4 है, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 62.4, तो k इज इक्वल टू 2π/λ कर दो, ठीक है, k बराबर 2π/λ बराबर 62.4, तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2π, मतलब 2 × 3.14 अपान 62.4, ये हो जाएगा 6.28 हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, देखो ये जो लिखा हुआ है डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर प्लस एल्फा एक्स, ये SHM का जो है अवकल समीकरण है। सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का जो अवकल समीकरण होता है वो आप लोग याद रखें, नोट कर लीजिए, सरल आवर्त गति करते हुए किसी भी पार्टिकल का डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई बराबर जीरो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इसी स्वरूप में क्वेश्चन दिया गया है, तो देखो वाई जो होता है वहाँ पर एक्स, यहाँ पर दिया गया है वाई की जगह एक्स है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह एल्फा है, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर एल्फा, अगर कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एल्फा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल्फा, ओमेगा बराबर टू पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा बराबर होता है टू पाई अपॉन टी बराबर हो जाएगा एल्फा अंडर रूट एल्फा, और यहाँ से टी बराबर हो जाएगा टू पाई अपॉन अंडर रूट एल्फा, टाइम पीरियड टू पाई अपॉन अंडर रूट एल्फा, ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो है सीरीज 19 पढ़ लिया, और आज संडे है, आज कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज आपको मिल जाए, और सभी स्टूडेंटों से ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन को देखिए, साथ में जो है नोट्स बनाइए, और जब बार बार आप कोई चीज़ लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन हम बीच बीच में बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके साथ तीन क्वेश्चन बोल रहे हैं, उन क्वेश्चन को भी नोट करते जाएं आप लोग, और एयरफोर्स एग्जाम तक आपको काफ़ी सीरीज हम दे देंगे। और कई बच्चे जैसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर सीरीज से जो है कट ऑफ निकल जाएगा, तो प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को हम बता दें कि आप अगर ये सीरीज कर लेते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं उससे रिलेटेड जो दो चार क्वेश्चन और बोल देते हैं उन क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन कहने को यहाँ पर रहता है बट 10 नहीं हम पढ़ाते हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं तो एक सीरीज में, तो आप उन क्वेश्चन को भी नोट करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, जितने भी आपके फेसबुक के ग्रुप हैं, जितने भी व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, और आप सभी बच्चे जो लोग हमसे जुड़े हैं वो प्रयास करें कि हमारा वीडियो जैसे आप तक पहुँचे तुरंत सभी व्हाट्सएप ग्रुप, सभी फेसबुक ग्रुप, सब में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जो है पहुँचे, और जो है लोगों को जानकारी हो कि यूट्यूब चैनल पर भी जो है ऐसा नहीं है कि जो है सब चीज़ें ऐसे ही आ रही हैं, यूट्यूब चैनल पर भी सत्यता और ईमानदारी का जो है चल रहा है, तो हम ये साबित कर देंगे कि जो है यूट्यूब चैनल भी जो है अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ ही लोग अच्छे हैं, बाकी तो बहुत सारे लोग जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया करते हैं, तो ऐसे चैनल को आप फॉलो ही ना करिए, ठीक है। जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं, आपको नियमित मटेरियल दे रहे हैं, आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है कम से कम एक वीडियो तो पर डे आप जो है ऑनलाइन देखें, जिससे वॉच टाइम बढ़े, ठीक है। वॉच टाइम बढ़े से ये होगा कि यूट्यूब भी हमें प्रमोट करेगा, ठीक है, हमारा भी जो है ऐड वो कहीं ना कहीं लगाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुँचेगा। धन्यवाद।